नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर, और एक नए खूबसूरत से वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं दोस्तों दिल्ली का इंडिया गेट। जी हां दोस्तों, इंडिया गेट जो कि दिल्ली ही नहीं दोस्तों पूरे विश्व का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है दोस्तों। और इंडिया गेट आप सामने देख भी सकते हैं, लेकिन पेड़ की पोट की वजह से शायद क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा आपको। तो कंप्लीट एक्सप्लोर करूंगा दिल्ली का इंडिया गेट। जी हां दोस्तों, और इंडिया गेट के चारों तरफ दोस्तों इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, और इसमें खूबसूरत तरीके से फाउंटेन भी बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली के VIP एरिया में बना हुआ है। VIP एरिया यानी कि वो एरिया जहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे केंद्रीय सचिवालय है दोस्तों, और जहाँ पे सारे देशों के दूतावास बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी एरिया में यह खूबसूरत सा इंडिया गेट बना हुआ दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं जो इंडिया गेट है दोस्तों दिल्ली के VIP एरिया में बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, शाम का टाइम है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, रश आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और सामने खूबसूरत सा इंडिया गेट आप देख सकते हैं, और इस साइड भीड़ देखें आप, एक बार आप भीड़ देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों पूरा जो इंडिया गेट का कैंपस है CISF की तगड़ी निगरानी में आप देख भी सकते हैं सामने। तो दिल्ली के टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने के लिए दिल्ली आया हुआ हूँ दोस्तों। दिल्ली के सारे पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ बारी बारी से, और इस समय हूँ दोस्तों मैं इंडिया गेट के कैंपस के अंदर, और खूबसूरत से इंडिया गेट के कैंपस को एक्सप्लोर कर रहा हूं। और चारों तरफ का खूबसूरत हरा भरा कैंपस आप देख सकते हैं। और शाम के टाइम में दोस्तों लाइटिंग का जो व्यू होता है इंडिया गेट पर वह देखने योग्य होता है। तो शाम के टाइम यानी कि रात के टाइम में जो लाइटिंग का व्यू होगा उसको भी दिखाऊँगा दोस्तों, इस चमकते दमकते इंडिया गेट की इमारत को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। इंडिया गेट जो कि एक वार मेमोरियल है दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो भारतीय सेना अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ी थी और जो शहीद हुई थी दोस्तों, उन्हीं की याद में यह इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। इसीलिए इसको वार मेमोरियल बोला जाता है दोस्तों। खूबसूरत ज़बरदस्त व्यू यहां से आप फाउंटेन का देख सकते हैं। ये देखें, इसमें दो छोटे छोटे फाउंटेन बनाए गए हैं, और एक खूबसूरत सा बड़ा फाउंटेन आप वो सामने बिल्कुल देख सकते हैं, उसको भी बिल्कुल पास से दिखाऊँगा दोस्तों। एक बार आप यहीं से खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। और इस साइड भी एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी फाउंटेन वाटर फाउंटेन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं इंडिया गेट के चारों तरफ। जी हां दोस्तों, और वो जो एक बड़ा सा आपको फाउंटेन दिख रहा है ना, वैसा ही फाउंटेन सेम एक उस साइड भी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए दोस्तों इस पूरे कैंपस को, इंडिया गेट के पूरे कैंपस को हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, जो इंडिया गेट है CISF की तगड़ी निगरानी के अंतर्गत है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो एंट्री है प्रॉपर स्कैनिंग करने के बाद ही आपको एंट्री इसके अंदर मिलेगी, लेकिन इसके अंदर प्रवेश करने का कोई भी शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, और भीड़ आप देख सकते हैं, ये भीड़ दोस्तों सिर्फ आज ही नहीं, ये हर दिन ऐसी ही भीड़ आपको देखने को मिलेगी इंडिया गेट के अंदर, क्योंकि पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं डेली। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक आते हैं इंडिया गेट को देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया गेट जो है ना दिल्ली का ही नहीं पूरे भारत का नंबर वन पर्यटन स्थल है। जी हाँ दोस्तों, बाकी इसके अंदर से भी आप आ सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और दिल्ली के VIP एरिया में बना हुआ है दोस्तों। दिल्ली के VIP एरिया में जो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं दोस्तों उनको मैं बता देना चाहता हूँ। एक तो इंडिया गेट है, दूसरा सफदरजंग का मकबरा है, तीसरा लोधी गार्डन है दोस्तों, और चौथा है दोस्तों नेशनल रेल म्यूज़ियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है दोस्तों। और इसको VIP एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी यहीं पर है दोस्तों, पास में ही, और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट केंद्रीय सचिवालय भी बिल्कुल पास में है, और विभिन्न देशों के दूतावास भी बिल्कुल आसपास में ही है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ से
एक डेढ़ किलोमीटर की जो रेडियस में ये सभी हैं। इसीलिए दोस्तों इस एरिया को वीआईपी एरिया बोला जाता है। और वीआईपी एरिया में दिल्ली के जब आप आएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे प्रदूषण का नामो निशान नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की हवाएं दोस्तों ना, यहाँ की जो हवाएं हैं इतनी ज़्यादा शुद्ध आपको महसूस होंगी कि आपको लगेगा कि आप पहाड़ों में हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ की ठंडक और यहाँ की शुद्ध वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर लेगी। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा दोस्तों कि दिल्ली की जो हवा है बहुत ही प्रदूषित है, लेकिन दोस्तों अगर आप दिल्ली के वीआईपी एरिया में आएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगने वाला। और बाकी एक बार आप देखें, हरी भरी घासों से बिल्कुल आच्छादित है इंडिया गेट का खूबसूरत कैंपस। और ये देख सकते हैं घासों की सिंचाई भी चल रही है। और हम बिल्कुल पास में आ चुके हैं दोस्तों इंडिया के वार मेमोरियल इंडिया गेट के पास, ये देखें। और ऊपर लिखा भी है दोस्तों, टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज हु फेल एंड आर ऑनर्ड इन फ्रांस एंड। और कुछ क्लियर नहीं दिख पा रहा है दोस्तों, यहाँ से काफ़ी दूरी पड़ जा रही जिस वजह से। तो मिला जुला के दोस्तों यह जो है कि वार मेमोरियल है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो भी इंडियंस शामिल हुए थे ब्रिटिशर्स की तरफ से और जो शहीद हुए दोस्तों, उन्हीं की याद में यह वार मेमोरियल बनाया गया है इंडिया गेट। ये आप देखें, काफ़ी खूबसूरत व्यू आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल पास नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरियर लगा हुआ है। और थोड़ा बिल्कुल पास जहाँ तक संभव वहाँ तक दिखा देता हूँ। ये देखें, खूबसूरत व्यू आप प्राप्त कर सकते हैं, ज़बरदस्त व्यू प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों इंडिया गेट का यहाँ से आप, बहुत ही ज़बरदस्त और दुर्लभ व्यू। और भीड़ एक बार आपको दिखा देता हूँ बैक साइड का, ये देखें भीड़ काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। ये देखें आप, नाइट का भी व्यू दिखाऊंगा दोस्तों मैं। रात में इसकी जो लाइटिंग होती है, इस इंडिया गेट की खूबसूरती को चार चांद लगाने का काम करती है, उसको भी दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो इंडिया गेट की सिक्योरिटी है ना, बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पे दोस्तों। दिल्ली पुलिस और CISF के जवान तैनात हैं, एक दो नहीं बहुत ढेर सारी संख्या में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इंडिया गेट देश की आन बान शान है और स्वतंत्र भारत का प्रतीक भी है। जी हाँ दोस्तों, वो सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड से भी मैं आपको इंडिया गेट का व्यू दिखा देना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों इस एंगल से भी आप खूबसूरत व्यू पा सकते हैं इंडिया गेट का, ज़बरदस्त व्यू है आप देख सकते हैं। बाकी एक फाउंटेन यहाँ पे भी वो सामने है, लेकिन अभी जस्ट दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले बंद हो गया है। तो अभी पूछा हूँ तो ये 6 बजे के लगभग फिर से स्टार्ट किया जाएगा। अभी जब जैसे ही मैं प्रवेश किया तो उस टाइम ये सभी फाउंटेन स्टार्ट थे, लेकिन अभी बंद कर दिया गया है दोस्तों। और इस तरह से छोटे छोटे जो तालाब है ना दोस्तों, ये दिखाता हूँ आपको थोड़ा पास से, इस टाइप के छोटे छोटे तालाब जो हैं चारों दिशाओं में बनाए गए हैं इंडिया गेट के चारों दिशाओं में। इस तरह से छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं और इसमें एक खूबसूरत इस तरह से बड़ा बड़ा जो है फाउंटेन बनाया गया है। ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों, कैंपस बिल्कुल हरा भरा और स्वच्छ साफ सुथरा है दोस्तों। दिल्ली के सारे पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर कर रहा हूं दोस्तों। जी हां, तो अगर सारे पर्यटक स्थलों की कंप्लीट वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यहां से भी आप एक खूबसूरत व्यू प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू ये देखें। Thank you.
बाकी ये जो तालाब बने हुए दोस्तों, इसके पानी की सफाई भी हो रही है, वो सामने आप देख भी सकते हैं। और इसकी जो देख रेख है ना दोस्तों, प्रॉपर होती रहती है। साफ सफाई, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है दोस्तों। और 24/7 हमेशा रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी दोस्तों चारों तरफ गार्डन भी बनाए गए हैं, पार्क टाइप बनाया गया है इंडिया गेट के कैंपस में, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक यहाँ पर ठहर सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। और यदि आप कपल हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। खूबसूरत व्यू, ज़बरदस्त व्यू, ये देखें, बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों। बाकी दोस्तों इस एंगल से भी मैं खूबसूरत व्यू आपको दिखा रहा हूँ इंडिया गेट का। और अब धीरे धीरे शाम हो चुकी है दोस्तों, एक घंटे के अंदर ही लाइटिंग ऑन हो जाएगी दोस्तों, और खूबसूरत व्यू प्राप्त होगा दोस्तों इंडिया गेट का। ढेर सारी लाइटिंग जलेगी दोस्तों, कलरफुल लाइटिंग जलेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत दर्शन पार्क में मैंने लाइटिंग का खूबसूरत नज़ारा दिखाया था, अगर वो उस वीडियो को, भारत दर्शन पार्क के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए दोस्तों, गज़ब की लाइटिंग थी दोस्तों, गज़ब की लाइटिंग थी। उसको डे टाइम में, दिन के टाइम में भी भारत दर्शन पार्क को एक्सप्लोर किया हूँ, शूट किया हूँ, और रात के टाइम में भी ख़ास तौर से लाइटिंग दिखाने का काम किया हूँ दोस्तों। बाकी दोस्तों ये जो इमारत, इंडिया गेट की इमारत जिसे स्मारक कहा जा रहा है, जो कि वार मेमोरियल है दोस्तों, इसके जैसे जैसे पास आया दोस्तों, मुझे देखने को मिला कि इसकी दीवारों पर जो है दोस्तों कुछ न कुछ लिखा हुआ है। आप ध्यान से अगर देखें तो आप पाएंगे इसकी दीवारों पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पास में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। अब बाकी दोस्तों इस साइड शूटिंग चल रही है, किसी मूवी वगैरह की शूटिंग चल रही है, जिस वजह से इस साइड जाना परमिशन नहीं है, साइड नहीं जा सकते हैं। बाकी वो सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा बनी हुई है, और ये पूरा का पूरा एरिया अभी जो है दोस्तों प्रतिबंधित किया गया, इधर नहीं जाना अलाउ, क्योंकि इधर शूटिंग चल रहा है। बाकी साइड आप देख सकते हैं इंडिया गेट का व्यू। इस समय शूटिंग चल रही है दोस्तों इस एरिया में, इसीलिए इस एरिया को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया गया है। बाकी वो आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, शूटिंग के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, शूटिंग करने की वो जितनी भी सामग्री थी। फिलहाल शूटिंग समाप्त हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं जल्द ही दोस्तों इस एरिया को अब ओपन कर दिया जाएगा, और इस पूरे सामने वाले एरिया को मैं चल करके एक्सप्लोर करूँगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अक्सर कोई ना कोई शूटिंग होती रहती दोस्तों, इंडिया गेट की लोकेशन के पास। दिल्ली के जितने भी पर्यटक स्थल हैं दोस्तों, सभी पर्यटक स्थलों पर अक्सर कोई ना कोई मूवी की शूटिंग वगैरह होती रहती है। फिलहाल एक बार यहीं से आप व्यू देख सकते हैं, ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों, शूटिंग का कैमरा वगैरह है, सब शूटिंग के ही इक्विपमेंट्स हैं, जो कि अभी जस्ट शूटिंग समाप्त हुई है उसी में ये सब यूज हुआ है। और कुछ देर पहले दोस्तों इस एरिया को बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया था, इधर कोई नहीं आ रहा था। फिलहाल शूटिंग समाप्त होते ही दोस्तों सिक्योरिटी हटा ली गई है, और इसके अंदर आसानी से अब हम घूम सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है बनी हुई, आप देख सकते हैं ठीक इंडिया गेट के सामने बनी हुई है दोस्तों, ये देख सकते हैं। यहाँ से एक बार आप खूबसूरत व्यू प्राप्त कर सकते हैं इंडिया गेट का। बाकी बाहर चलते हैं अभी। बाकी दोस्तों अभी हम रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अब जैसे ही रात होगी दोस्तों वैसे ही हम जो है इंडिया गेट की लाइटिंग दिखाएंगे, और इसके बाद ही इस वीडियो को करेंगे समाप्त। बाकी जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे शूटिंग चल रही थी दोस्तों, तो पूछने पर ये पता चला दोस्तों कि यहाँ पे वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है, जिसमें दोस्तों जो मेन एक्टिंग रोल में हैं वो सुनील शेट्टी हैं, विवेक ओबराय हैं, और
और भी जैसे शिल्पा शेट्टी जो हैं एक्ट्रेस हैं वो भी हैं उस वेब सीरीज में, और उस वेब सीरीज का नाम है दोस्तों IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, तो उसी की शूटिंग चल रही है दोस्तों, और यहाँ पिछले कुछ दिनों से चल रही है शूटिंग। अभी कल भी शूटिंग चलने का जो है कि न्यूज़ मिला है दोस्तों, कल भी हो सकेगा शूटिंग चलेगा। और इसी वजह से दोस्तों जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली एरिया है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया, उधर कोई जा नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि शूटिंग अभी भी चल रही है। और सामने आप ढेर सारी भीड़ देख सकती हैं दोस्तों, जो लाइन लगा के लोग खड़े हैं वो शूटिंग को ही देख रहे हैं। IPS वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है, इसमें सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय और भी बहुत सारे एक्टर उसमें हैं, और शिल्पा शेट्टी एक्ट्रेस और उनके साथ साथ और भी एक्ट्रेस उसमें काम कर रही हैं। तो बाकी हम रात होने का वेट कर रहे हैं दोस्तों, जैसे ही रात होगी और खूबसूरत फाउंटेन और खूबसूरत से चमकते इस इंडिया गेट का व्यू लेंगे, और इसके बाद वीडियो को वहीं पे करेंगे समाप्त। जी हाँ दोस्तों, बाकी दोस्तों यहाँ से भी अमेजिंग व्यू प्राप्त कर सकते हैं आप, ये देखें बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ से भी इंडिया गेट का। और शाम हो चुकी दोस्तों, लाइटें ऑन हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं अंदर की लाइटें ऑन हो चुकी हैं, और जैसे ही रात होगी दोस्तों खूबसूरत लाइटिंग का व्यू दिखाऊंगा आपको मैं। तो वीडियो को लास्ट में देखना ना भूलिएगा दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं 6 बज चुके हैं, और सारे फाउंटेन्स को और सारी लाइटिंग को स्टार्ट कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और सामने वाला बड़ा वाला भी फाउंटेन स्टार्ट कर दिया गया है। और अब रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, जैसे ही रात होगी लाइटिंग का ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों रात हो चुकी है और ख़ूबसूरत नाइट व्यू आप ले सकते हैं दोस्तों, इस समय देख सकते हैं इंडिया गेट का। तिरंगे के रंग की लाइटिंग इस समय फोकस की जा रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा व्यू है दोस्तों। और ख़ूबसूरत दो झरने भी इस समय दोस्तों तिरंगे के कलर में जगमगा रहे हैं, वो सामने देख सकते हैं, एक इस साइड है दोस्तों और एक इस साइड है। तो दोनों फाउंटेन के पास भी चलूँगा और एक बार इस खूबसूरत से व्यू का आप दीदार करें, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त लाइटिंग का व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया गेट पर गजब का व्यू है दोस्तों। ऊपर तिरंगे का कलर ज़बरदस्त है दोस्तों, बहुत ही प्यारा व्यू, ज़बरदस्त व्यू। और दोस्तों यहाँ पे आप रात 11 बजे तक इंडिया गेट का दीदार कर सकते हैं दोस्तों, 11 बजे तक जो है यहाँ पे एंट्री रहती है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत व्यू, ज़बरदस्त व्यू दोस्तों देख सकते हैं आप। और अभी इस साइड की कुछ 2-3 लाइटें ऑन नहीं की गई हैं, पूरी लाइटिंग जब ऑन हो जाएगी तब भी दिखाऊंगा दोस्तों, अभी थोड़ी और अंधेरा हो जाए और रात हो जाए दोस्तों तो इसके बाद भी दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ। बाकी लाइटिंग ऑन हो चुकी है, पूरी लाइटिंग ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं आप, ये देखें खूबसूरत व्यू, ज़बरदस्त व्यू। बाकी दोस्तों ये आप देख सकते हैं फाउंटेन का भी जो लाइटिंग है वो भी तिरंगे के कलर से इस समय जगमगा रहा है, आप देख सकते हैं भारतीय तिरंगे के कलर का गजब का फाउंटेन आप देख सकते हैं दोस्तों इस समय। बहुत ही खूबसूरत व्यू, ज़बरदस्त व्यू दोस्तों। और इस साइड है दोस्तों इंडिया गेट का व्यू, आप देख सकते हैं। बाकी एक बार इस एंगल से भी आप इस खूबसूरत से फाउंटेन का व्यू पा सकते हैं दोस्तों। ज़बरदस्त व्यू है। बाकी दोस्तों दूसरे साइड से भी आप खूबसूरत व्यू देख सकते हैं इंडिया गेट का, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। इस समय दोस्तों जो पूरा का पूरा इंडिया गेट है आप देख सकते हैं, तिरंगे के कलर की लाइटिंग हो रही पूरे इंडिया गेट पे, आप देख सकते हैं ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है दोस्तों, और नीचे हरा है आप देख सकते हैं। और एक फाउंटेन उस साइड है, आप देख सकते हैं दोस्तों तिरंगे की कलर का लाइटिंग वहाँ पे भी हो रहा है, और एक फाउंटेन इस तरफ है दोस्तों, इस पे भी तिरंगे की कलर की लाइटिंग हो रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू ये पा सकते हैं आप।
बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल एक परफेक्ट व्यू पॉइंट पे आ चुका हूँ। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त व्यू है जो दोस्तों इसी व्यू पॉइंट से है। ये देखें, खूबसूरत व्यू पॉइंट कह सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त, बिल्कुल दोस्तों अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग। अभी दोस्तों कलर चेंज हो चुका है, लाइटिंग का कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल ऊपर जो है इस समय दोस्तों तिरंगे का कलर हो चुका है और नीचे का भी कलर आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त व्यू दोस्तों, खूबसूरत व्यू, ज़बरदस्त व्यू। और यहाँ पे दोस्तों आपको DSLR से फ़ोटो भी खिंचवाने का मौका मिल सकता है अगर आप यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो DSLR लेकर के घूम रहे हैं और उससे आप जो है अपने मनपसंद का खूबसूरत फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, ज़बरदस्त व्यू, ज़बरदस्त, हर एक एंगल से दोस्तों इंडिया गेट की लाइटिंग का खूबसूरत व्यू दिखाने वाला हूँ। ये देखें, अभी कलर चेंज हो चुका है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुका है। और जैसे जैसी रात होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रात 11 बजे तक भीड़ बढ़ती जाती है, जी हाँ दोस्तों, और दिल्ली का ही नहीं दोस्तों पूरे भारत का ये जो है सबसे फेमस और नंबर वन पर्यटन स्थल है दोस्तों। बाकी दोस्तों अभी हम दूसरे वाले फाउंटेन के पास चलते हैं, वो सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे चलते हैं। और दोस्तों इंडिया गेट के जस्ट सामने राजपथ है और राजपथ को फॉलो करते हुए अगर आप आगे जाएंगे तो आपको राष्ट्रपति भवन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भवन भी भारत का दोस्तों एक खूबसूरत भवन होने के साथ साथ एक खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है, जी हाँ दोस्तों, जिसमें भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। और हम उस फाउंटेन के पास जा रहे हैं दोस्तों, तो फाइनली गाइज हम इस फाउंटेन के पास भी आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत लाइटिंग का नज़ारा, एक बार इस एंगल से भी आप इस खूबसूरत से फाउंटेन के व्यू को देखें दोस्तों। भारतीय तिरंगे के कलर की लाइटिंग हो रही है इस पे, जिससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। और ये है साइड में इंडिया गेट, यहाँ से भी दोस्तों इंडिया गेट का बिल्कुल एक अमेजिंग व्यू मिल रहा है, इंडिया गेट और साथ ही साथ इस खूबसूरत से फाउंटेन का बहुत ही प्यारा व्यू, एक साथ दोनों का प्यारा व्यू मिल रहा है दोस्तों, ज़बरदस्त व्यू है। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको इंडिया गेट का नाइट व्यू कम्प्लीटली दिखा दिया है, नाइट व्यू मतलब कि इंडिया गेट की जो लाइटिंग है उसको दिखाया और जो दो खूबसूरत फाउंटेन थे उनको भी दिखाया दोस्तों। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है इस समय, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग इस समय हो रही है दोस्तों इंडिया गेट पर। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दिन के टाइम का भी व्यू कैप्चर किया हूँ और जो सबसे खूबसूरत रात का व्यू होता है उसको भी कैप्चर कर रहा हूँ। तो एक लाइक ज़रूर वीडियो के लिए दीजिएगा दोस्तों और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों, बहुत ही प्यारा व्यू दोस्तों। अब वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे कर देता हूँ समाप्त, अगले वीडियो का करिए वेट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।